के गिरधारी ओ बनवारी और तेरे सदा रहूं यावारी गिरधारी तेरे सदा रहूं यावारी ए गिरो अरे द्रौपदी सुता की तूने लाज बचाई अरे
बोलिए गोविंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। उपस्थित हमारे सभी पांडाल में श्रोता बंधुओ, दूर दूर से आए हुए सभी भक्तों को इस व्यास मठ की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। प्यार भरा नमस्कार हमारा स्वीकार हो आप लोगों को। श्री सुखदेव जी के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम स्वीकार हो। श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम स्वीकार हो। महाराज परिषद को मैं बार बार वंदन वंदन करना चाहती हूँ। सभी ग्राम वासियों सभी क्षेत्र वासियों से मैं कहना चाहती हूँ कि जहाँ तक भी आवाज पहुँच रही हो, सभी भक्त भारी से भारी संख्या में कथा पांडाल में उपस्थित होने का कष्ट करे तो महान कृपा होगी। आप लोगों ने भगवान की ये जो बाल लीलाए हैं, सभी भक्त भगवान की बाल लीलाओं को आप सभी भक्तों ने 7 दिन हो गए श्रवण किया है। अब जो है देखेंगे भगवान सभी भक्त देखेंगे कि किस प्रकार से जो है भगवान कन्हैया ने इस भूतल पर अवतार लेने के बाद और पूतना का वध किया है अकासुर बकासुर नाम के राक्षस। अगर जो कंस ने जिस राक्षस को भेजा है, किसी ने जाकर के ये नहीं बताया कि कृष्ण है तो है कैसा, किसी ने नहीं बताया। भगवान कन्हैया अवतार लेकर के आए हैं भूतल पर। आप सभी भक्त अभी हमारे परम पूज्य बड़े भैया श्यामजी भैया जी के मुखारविंद से पावन में कथा का आनंद ले रहे थे। किस प्रकार से जो मैया देवकी के 6 पुत्रों का वध हुआ है, 7वां पुत्र जो है मैया रोहिणी के गर्भ से जो हुए बलराम बताए और 7वें 8वां भगवान कन्हैया बताए गए हैं। भक्तों भगवान कन्हैया का आप लोगों ने नामकरण भी सुना और भगवान कन्हैया ने भूतल पर अवतार लेने के बाद में ग्वाल वालों के साथ में भक्तों भगवान कन्हैया ने माखन की चोरी की है। बताया तो ये क्या है कि भगवान कन्हैया ने माखन की चोरी की है, लेकिन भक्तों भगवान कन्हैया कोई चोर नहीं थे। भगवान कोई चोर नहीं थे जो किसी के यहाँ पर चोरी करने के लिए जाते। परम पिता परमात्मा है, संसार में हर व्यक्ति को देने वाला भगवान है, तो भगवान तुम्हारे महलों से कौन सी चीज को लेकर के जाता चोरी करके। हाँ चोरी की थी जिसका कभी नाम भी नहीं आया, चोरी उसने की थी। राधा ने की है चोरी, राधा ने कौन सी चोरी की है। भगवान कन्हैया की बंसी को चुराया, आज तक भी वृंदावन मथुरा में जाना राधा के हाथ में भगवान कन्हैया की बंसी मिलेगी।